एक मंदिर है, उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था। ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसका उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। तो माना जाता है कि वहाँ शिव वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आंखों से। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता रात में, तो ये रात को झांक लिया। वो जो देखा आंख चली गई, वो बताने की कोशिश किया फिर जबान चली। भारत में एक गाँव है, उसका नाम है शेतपाल। उस गाँव में जितने घर हैं ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ। पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ। घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ। सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ। शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर है हमारे देश में, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था, खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आम तौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में कामसूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने, तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फोन आया कि खजुराहो लेट फर्स्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि कामसूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देखा थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है, उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था। ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ, मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में, वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़, छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा, उसको कई बार सपने आए मतलब रेगुलरली, तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे। तो बोले है पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जैसे मान जी के लिए बोलते थे ना मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा। हाँ हाँ। तो सब बोल रहे पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा, उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है, और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आंख से देख के आया हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है, आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में, बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं। तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसका उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ शिव वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहाँ बैठा होता, जैसे कहते हैं ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है। इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया कि मेरे को देखना है क्या होता है। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया, वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा? मैंने उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा आंख चली गई, वो बताने की कोशिश किया फिर जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे, और उसके बारे में उसके सामने बात किया जा रहा था, और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग कैसे जाएगा। अभी मेरे घुसबम सारे
सर ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेंपल बन गया, लोग आते हैं। हाँ, प्रॉपर टेंपल बन गया है, उसके ऊपर छत डाली गई है। हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे ये बात करेंगे ना, तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटा है, बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं, चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे तो इनके जो ये सब चंगो मंगो हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे है। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट है जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती। और पार्वती कौन है, पार्वती का वाहन क्या है, शेर। मतलब बाकी सब पानी कम चाय हो गया ना सडनली, कि भाई मैं आई हूँ और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूँ। तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे, आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से शुरू करूँगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है, है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए दो लोग अलाउ कर सकते हैं, एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबार, करेक्ट। हमने द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड को द वॉचमैन ऑफ द वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती है इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती है कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेट कीपर। तो मैं जहां से आता हूँ वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती है। सर ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं, तो सबसे ऊपर देवी आती है फिर ये तीनों आते हैं। एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है, देखिए जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो तीन भगवान है ये, आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे, आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखे ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना, ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था, ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बना था, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है, इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप
रहा जाता है। तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं, कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए, शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप क्या जानते हो। साथ ही साथ थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन अगले जन्म में वो लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग वो अमर है। तो उस बारे में थोड़ा ओके मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था, सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया, भारत में एक गांव है उसका नाम है शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट, वो एक साथ रहते हैं। और आप इसको गूगल कर लेना, शेतपाल है महाराष्ट्र। ऑलराइट, आई थिंक हाँ महाराष्ट्र में। और मैं वहां गया हूँ, छोटे छोटे आपने देखा है, मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना था। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है, और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है। तो जो जब विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे, जब विष्णु जी कृष्ण बने थे। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया, तो राम विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण। तो जब पूरा रामायण खत्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज थे, बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई, सब ये एंड के बाद एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया, राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में। तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहां चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना। तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना। तो ये दोनों में, शिव में और, हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं, शिव जी के जो गले में वो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं लेटते हैं वो शेषनाग है। शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी, तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में, और जो उसका मंथन करना था ना सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे। तो पकड़े क्या हुए थे, रस्सी नहीं थी, वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पे चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग, ये शेप बन रहा है डमरू का। और जब आप इसको बार 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 चलाते जाएंगे ना तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेषनाग, कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेषनाग है। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये कलयुग दोबारा आया हो कभी पहले, मतलब कलयुग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी साइकिल, तो ये कौन सी किसी और साइकिल का हो। तो इस पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात तो ये जो चार काल है, हाँ देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना उसमें वो लोग मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है, वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है। आप डिफरेंस ऑफ बिलीफ देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है और हमारे लिए टाइम ऐसे चलता है, हमारे लिए टाइम साइक्लिक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा तो फिर से चालू होगा, है ना, आपकी आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, मतलब टाइम साइक्लिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है। तो मैंने दो लाइनें लिखी थी कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है, तो समय गोल है पहली बार।
दूसरी तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास, इस युग खंड में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ, मल्टीवर्स है ये, है ना। तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुए आए द्वारका में, तो उनका दरबान वॉचमैन वो दौड़ते हुए अंदर आया कृष्ण जी के पास और बोले वो ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने। तो कृष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ क्या कौन वाले ब्रह्मा जी हैं वो। तो दरबान कंफ्यूज, दरबान बोले ठीक है भाई आप बोल रहे पूछ लो, वापिस चले गए। बोले वो कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कौन वाले ब्रह्मा, मतलब क्या एक ही होता ब्रह्मा। तो फिर वो पैर पटकते हुए हटो यहाँ से और करके कृष्ण जी के पास आए। तो कृष्ण जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कितने वो होते हैं, अब मैं कौन सा हूँ। तो फिर कृष्ण जी ने असली चीज उनको दिखाई। तो जब कृष्ण जी ने उनको सारे रेंस खोल दिए ना, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सारे लोग स्वान पे बैठ बैठ के उड़ रहे हैं, चार सिर वाले। तो बहुत सारे ब्रह्मा थे और सब आके फिर नतमस्तक हुए कृष्ण जी के, क्योंकि कृष्ण तो विष्णु अवतार है। तो ब्रह्मा जी को समझ आया कि ओ शिट, आई एम नॉट द ओनली वन, वी हैव मोर। और ऐसी दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रामायण से जुड़ी आती है। तो आपका जो सवाल है ना कि टाइम साइक्लिक है और हम कहाँ हैं, हम मतलब कितनी बार, ये कौन सी साइकिल है, साइकिल है, तो ये तो हनुमान जी को नहीं पता है, तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता कैसे। तो क्या है, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त है ना, वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जब रामायण खत्म होता है तो राम को तो वापस जाना विष्णु अवतार में, लेकिन हनुमान जो है वो सेवन इन मॉडल, सात चिरंजीवी में से एक है। तो उनको तो युग में यहीं रुकना है इसी पृथ्वी में। अब ये तो नियति है कि राम को जाना, ये भी नियति है, और हनुमान को रुकना ये भी नियति है। लेकिन हनुमान इतने बलशाली हैं कि उनको समझाए कौन, वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने को तैयार है, है ना। तो राम क्या करते हैं कि, तो ऐसा इस बार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापस लौटना था। हनुमान बोले हो ही नहीं सकता प्रभु, या आप यहाँ रहेंगे या मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने जमीन पे एक छोटा सा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे, राम ने, और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा ली। और राम जी ने बोला कि उप्स, हनुमान हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, प्लीज ले आइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुस गए। अब वो जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले। तो शेषनाग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप महाराज। तो बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही है। तो शेषनाग मुस्कुराने लगे। तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे। बोले आप फिर बुद्ध बन गए इसलिए। बोले मतलब। बोले वो देखिए जब वो पलटे ना तो वहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। तो हर बार त्रेता युग में राम ऐसे ही बुद्ध बना के हनुमान को छोड़ जाते। देखिए जो सात चिरंजीवी हैं, कईयों को उनका नाम भी नहीं पता इसलिए मैं बता देता हूँ, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, रावण का भाई विभीषण और राजा बलि, बाली सुग्री वाला बलि नहीं, राजा बलि सतयुग से आता है, उसकी अपनी कहानी जिसके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये सात लोग हैं, ठीक है। तो ये सातों चिरंजीवी, ये सातों चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल्स हैं, है ना। ये जब जब आए तब तब से अभी, और ये सातों कहां अभी मतलब पाताल वो अर्थ पे ही है। उसके लिए आपको द हिडन हिंदू पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि मेरी कहानी का जो वन लाइनर है वो यही है कि एक आदमी 2020 में पकड़ में आया है जो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सतयुग से हूं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता। ये एक्चुअली आदमी है। बढ़िया। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो आठवां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूं सात चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मेरे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि जब ट्रूथ एक है, है ना, ट्रूथ एक है और यहाँ इंडिया में भारत में इतने सारे उसके प्रमाण भी है, तो ये सारी घटनाएं इंडिया के अराउंड ही क्यों है, या इंडिया से मिलता जुलता हमने सुना है कि चलो ईरान तक या वहां तक का है रामायण में भी कि किष्कंधार राज्य जो था वो अब अफगानिस्तान में शायद है ना, बट मीनवाइल वेस्ट में या दूसरी तरफ हमारे गॉड्स का इतना क्यों नहीं है, या उनकी थिंकिंग हमसे इतनी अलग क्यों है, वो संस्कृत क्यों नहीं बोलते जब पृथ्वी का तत्व एक है, जब देव एक है, सच एक है, तो इतने वो सबकी थ्योरीज इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट क्यों है। देखिए स्पिरिचुअल लेवल ना सबका अलग अलग होता है ना। आप दुनिया में भारत के अलावा कहाँ सुने पुराने समय में, अब वहां के लोग तो आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, हाँ, है ना, सब छोड़ छाड़ के राधा कृष्ण करने, है ना, कई लोग सतगुरु जी के पास आ रहे हैं, उसके पहले अनगिनत लोग ओशो के पास आ गए थे, है ना, सब त्याग के। लेकिन इन सबके पहले, और ये सब त्याग के आ कहाँ रहे, भारत ही आ रहे। हाँ। आप इसके अलावा कहाँ सुने हो कि सब त्याग के चले गए, क्रिश्चियनिटी में ऐसे सब त्याग के जाने वाला सीन ही नहीं है। फादर्स हैं वो भी शादी करते हैं, है ना, नंस है एट टाइम्स वो भी, उनका जब मन करता है छोड़ सकते हैं। आपको अभी मैंने सुधांशु त्रिवेदी एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने एक इतनी मार्मिक बात बोली
कि वो रच बस गई मेरे अंदर। हम ही ने शून्य क्यों बनाया? मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अनंत काल का जो रास्ता है ना, इन्फिनिटी का जो रास्ता है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, इन्फिनिटी यू कैन नॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी राइट, पर इन्फिनिटी का रास्ता कहाँ से होके जाता है? शून्य से होके जाता है। इन्फिनिटी क्या है स्पिरिचुअल लेवल में? अध्यात्म, द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन्फिनिटी। तो जो जो भी इंसान ऋषि मुनि बनने निकलता है ना दोस्त, वो पांच चीजें एक एक करके छोड़ता है। हमारे हिंदू में क्या क्या? सबसे पहले वो घर छोड़ता है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, फिर वो खाना छोड़ देता है, फिर वो अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सांस लेगा, जब मन करेगा नहीं लेगा, मतलब जब चाहेगा प्राण अपने निकाल लेगा, और जब चाहेगा एस्ट्रल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कि आपका बॉडी यही है और आप निकल गए ब्रह्मांड की सैर करने, तो वो फोर्थ है। और आखिरी जो है ना, वो है कि वो अपना देह त्याग देता है। आई वॉन्ट नथिंग, है ना, कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए। यही पांच चीज है ना। तो जब आप इन्फिनिटी के खोज में जाते हो ना, तो आपको शून्य से होके जाना पड़ता है। और ये सब जो समझ है ना, ये सबसे पहले अध्यात्म की वजह से हमारे पास आई थी, इसकी समझ। और हम बड़ा आसान है बोलना लैंड ऑफ स्नेक्स इंडियंस, नो, हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में मैथमेटिक्स है, हमारे स्पिरिचुअल और हमारे गाइडिंग बुक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है। आप बता दीजिए मेरे को दुनिया में कोई और ग्रंथ या कोई और रिलीजन जिसपे, ये तो हमेशा एंटी साइंस रहे हैं सब। हम हमेशा प्रो साइंस रहे हैं। वी आर द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत नाम का आदमी पहला प्लास्टिक सर्जन है इस दुनिया का। 27 वॉल्यूम में किताबें लिखी, वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज पहुंची, वहां से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यूके और यूएस पहुंची, और वहां से हमारे पास वापस आई प्लास्टिक सर्जरी बनके। और अब हम इस स्थिति में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित्सा बोलना नहीं आता, हमको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी बोलना आता है। और हम पहले प्लास्टिक सर्जन है। आज भी पूरे भारत में आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो एक ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ऋषि की, है ना, और वो दिखते ब्रह्मा जैसे, सिंगल हेडेड। वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी हैपेंस टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी सारे डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना डॉक्टर बनने के बाद, वो धन्वंतरी का ओथ लेते हैं, लोगों की जान बचाने का। धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हर साल बचपन से हम दिवाली के एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ। उस दिन हम धन्वंतरी पूजा करते हैं। धन्वंतरी वो शख्स थे जो, हम फिर सागर मंथन पे पहुंच गए, शेषनाग सागर मंथन, उसमें जो व्यक्ति हाथ में अमृत कलश लेके निकला था वो था धन्वंतरी। ही वाज अ डेमिगॉड, आधा इंसान और आधा भगवान, है ना। तो हम पहले डॉक्टर हैं, हम पहले प्लास्टिक सर्जन हैं, तो ये सब हम ही क्यों बन जाते हैं सब चीजें? सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, अगर एक तरफ दुनिया में, मतलब अगर आप वैसे देखो, एक तरफ दुनिया के बनाने वाले यहाँ हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों, समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहां के देवता, यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं, मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं कि ये बात किसने कही है। पर एक साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने, ही वॉज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी विच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का, उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे, मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर वो भाई, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अंग्रेजी बेहतर है।
हम हमेशा समय से पीछे चलते हैं, इसीलिए 1000 साल बाद कोई और बोल गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी मैंने बनाया। अगर इतना सही है बाकी लैंग्वेज तो फिर वो संस्कृत क्यों सी? फिर तो उनको इंग्लिश में रहना चाहिए ना। और अभी एक रील चल रहा था बड़ा मस्त, मैंने भी देखा कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। आई डांस ही डांस नहीं आई डांस यू डांस ही डांसेस हाउ मच मोर इज ही डांसिंग, है ना। तो ये मजाक है लेकिन हमारे हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं है। आप मैं तू तुम कैसे हैं कैसी हैं सब अलग अलग। सही बात है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूथ के लिए, भूत प्रेत आत्मा। इसके बारे में साथ ही साथ इसके बारे में आपकी नॉलेज तो हम जानेंगे, साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है और शिव जी को भूत प्रेत भी पूजते हैं, वो प्रिय हैं, पर हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। हाँ, जब भी भूतों की बात आती है तो हनुमान जी ही आगे आते हैं कि उनके अगेंस्ट वो ही वर्क करेंगे। तो हम लोगों के बचपन से हमको बोला गया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रख लो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या कनेक्शन है? तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो हिंदू कल्चर और इनके अकॉर्डिंग भूत प्रेतों का क्या सुना है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो या एक्सपीरियंस हो वो, और फिर ये। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। भी जहाँ मैं मुंबई के घर में रहता हूँ, मेरा घर 34th फ्लोर पे है, बोथ साइड सी व्यू, शांत, बहुत खूबसूरत सा घर। तो मैं एक दिन सोया हुआ था रात में 3 बजे के लगभग, मेरी नींद खुली तो मैं मेरे कमरे में घड़ा रखता हूँ, घड़े में पानी पीता हूँ, तो घड़ा खाली था, रात को ना भूल गए ठीक है। और वो कीचन नहीं होता घंटी वाला, सिंगल घंटी टिंग टिंग जो गाय के उसमें छोटा वाला, तो वैसा एक घंटी लटका हुआ था, खिड़कियां खुली थी तो हवा, हॉल में हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल। तो मैं ग्लास लेके, अपना ग्लास लेके कमरे से निकला, किचन में गया, किचन में एक और बड़ा घड़ा रखा था उसमें से पानी भरा, वापस आ रहा था। तो अब 34th फ्लोर पे आप सोचो व्यू कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो मैं एक अपनी खिड़की पे खड़े होकर 2-4 घूंट पिया, फिर मैं कमरे की तरफ गया। तो जब मैं दरवाजा खुला ना तो मैं वहां सोया हुआ था, और तब मैं उठा और मैं इतना कंफ्यूज था कि वो जो सोया हुआ हूँ मैं, मतलब मैं जब उठा ना तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो मेरे को देख रहा था, तो वो मैं हूँ कि मैं। ओ भाई, मैं सवेरे तक सो नहीं पाया। तो फिर आप असली में कहाँ थे जब आप सुबह तक सो नहीं? जब वो दरवाजा खोल के मैं गया ना, तो जब मैं देखा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तब एक्चुअली डर से मेरी नींद खुली। अच्छा, तो दरवाजे पे कोई नहीं। सर, हम ज्वाला जी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो जहाँ पे कभी वो आग आ जाती है, मैं I've been there, जब मैं छोटा था मैं उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कॉर्नर्स में से फ्लेम्स आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, और तुम अगर उनको टच करते हो तो कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। अच्छा, गलत क्यों हो? अच्छा, अच्छा, लेकिन पता है पूरे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेंटर्स बोल रहा हूँ तो मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले की बात बताता हूँ, मैं पहली बार लेह लद्दाख गया। तो लेह लद्दाख में दूसरे दिन वो लोग हमको बोले कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है। मैं गया, सब देखा, फिर वहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ जमीन से आप 5-6 फुट, 5-5.5 और उसमें ना अजीब सा कुछ शेप बना हुआ था उसके अंदर, ऐसा जैसे बीच से कुछ धंस गया उठे। मुझे नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो मैंने बाद में पढ़ी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस हिस्ट्री में। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की मुलाकात किसी दिन मेरी समकक्ष से होगी, मेरी वाइफ से होगी, तो आप पूछिएगा। मैं ना दहाड़ मार मार के रोने लग गया, आंसू आंसू मैं रो रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले, आप सोचो, मतलब सफेद दाढ़ी हो रही मेरी है, 40 साल का आदमी खड़े होकर रो रहा है, और वहां जितने लोग आना जाना कर रहे थे, ज्यादातर सिख लोग थे और लोग थे, उनको देख रहे थे और वो सोच रहे होंगे कि कितना दुखी है आदमी, कितनी तकलीफ में होगा कि बस रुक ही नहीं पा रहा। मैं अपनी वाइफ को बोला कि बहुत रोना हो रहा है। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है, मतलब आप उसको दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुना देंगे ना तो वो मुस्कुराएगी, बोलेगी गुड, और आप सबसे बुरी खबर सुना देंगे ना तो बोलेगी कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ना खुशी में बहुत खुश होती है ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो मैंने बोला मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो बोली तो रो लो, बस मेरे को उसी परमिशन चाहिए थी। मैं इतना रोया, और सर बताऊं मेरे को कोई दुख नहीं था उस समय, मैं किसी को याद करके नहीं रो रहा था, मैं किसी पास्ट पे नहीं रो रहा था, मेरे को कोई दुख नहीं था और मेरा रोना ही नहीं रुक गया। मैं हाथ जोड़ के खड़ा और मैं रो रहा। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो उसको पत्थर साहब गुरुद्वारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े से पत्थर, एक राक्षस गुरु नानक देव पे पत्थर फेंके थे, फेंका था उनको मारने के लिए, और वो पत्थर, और ये मेडिटेशन कर रहे थे वहीं पे, उसी जगह पे जहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो कोई कारण होगा ना कि गुरु नानक देव ने वो जगह चुनी थी मेडिटेट करने के, वो एक पॉइंट था, एक मेडिटेशन पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिससे आप, व्हाटएवर, मैं नहीं समझता।
वो पॉइंट था। वहां बैठे फिर एक राक्षस ने बड़ा सा पत्थर फेंका, वो पत्थर आके उनके ऊपर ऐसे टिक गया, राक्षस को लगा मार दिया मैंने। वो हुआ ये था कि जहां जहां से वो पत्थर इनको टच हुआ था ना, वहां वहां से वो मोम जैसे गल गया था। तो वो जो मैं अंदर का शेप बोल रहा हूँ ना, वो इन सब का मानना है कि गुरु नानक देव का ये साइड है पूरा। ओह ओके। और ये सब मैंने रोने के बाद पढ़ा, पर मैं वहां खड़े होकर रो रहा था फॉर नो रीजन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे देश में, बाहर भी होंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी चर्च में जाऊं मैं रोने लग जाऊं किसी। सर आप कभी वैसे इन जनरल इतने तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते, मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते। अच्छा, पहले जी। अच्छा, अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लैन में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, एक्स वाई जी, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे, और उसके बाद मुझसे मेरा अंतिम संस्कार करवाएंगे, तब मैं बनूंगा नागा साधु। कि सबसे पहले ना आपको सांसारिक मोह माया से परे होना पड़ेगा, ये सबसे हटो तब बनोगे तुम नागा साधु। तो अगर मैं उस नजर से देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ऋषि मुनि के तो एकदम पास वही पहुंच गए, क्योंकि यही सब छोड़ के तो मोक्ष की प्राप्ति है। आदमी किस चक्र में फंसा रहता है भाई। मैंने मेरे पास एक डॉगी है फॉर एग्जाम्पल, मैंने 7-8 साल उसके साथ खूब खेला, मेरे को बहुत प्यार था, मेरा डॉगी चला गया, डेथ हो गई उसकी, ठीक है भाई, डेथ हो गई, तो मैं एक मोहपाश से छुटकारा पाया ना, मेरा एक मोहपाश खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, मैं एक और कुत्ता लिया, मैं फिर उसको ऐसे से, मैं चाहता ही नहीं मोक्ष पाना, मैं चाहता हूँ ये सर्कल्स में मैं फंसा ही चलूं। तो इसलिए पहले उनको ये सब मोहपाश से अलग किया जाता कि अब बनो तुम नागा साधु। लोग बोलते हैं कि नागा साधु कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसानी मांस खा लेते हैं, अंतिम संस्कार से खींच के खा लेते हैं, डेड बॉडी के साथ संभोग कर लेते हैं, ये सब सच है, ये सब सच है, लेकिन उसके पीछे कारण है। आप छोटे बच्चे को देखे हो ना, बच्चे को आप क्या बोलते हैं, भगवान का रूप बोलते हैं ना लोग बच्चे को। बच्चा जमीन में बैठा रहेगा और बच्चा सुसु कर देगा, तो बच्चा तो सुसु में खेलता रहेगा। आप बड़े हुए हो, आप उस बच्चे को बोलोगे कि चीची बेटा चीची, तब वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये चीची, तो ये अच्छा है और ये बुरा है वो पता, ये जब तक बच्चे को नहीं पता होता ना, तभी तक बच्चा भगवान का रूप होता है। ये अघोरी लोग ना उस श्रेणी में भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सुपर ह्यूमंस की बात हो रही है, ऐसा एक जगह है एशिया में ही सब है, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे एक है जिन्होंने कितने सालों से कुछ नहीं खाया, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा अडेप्ट कर लिया कि वो कुछ नहीं, वो जिंदा भी है। उस बारे में आप जानते हैं? अभी तो अपन उस पर बात की कि जो 5 लास्ट फेजेस हैं टू अटेन इन्फिनिटी, टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट गोज फ्रॉम द रूट ऑफ जीरो। तो हम अध्यात्म और अनंत काल को ढूंढ रहे थे, इसलिए हम शून्य बना पाए, शून्य ढूंढ पाए। तो वो जो 5 चीजें एक एक करके छोड़ते हैं ना, उसमें ये सेकंड लास्ट चीज है खाना। ये जब आप खाना पानी छोड़ देते हो और आप जिंदा रहते हो। तो साइंस इस बारे में क्या कहते हैं? साइंस के पास नहीं आंसर, वो कर चुके हैं वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने भी देखा पढ़ा है, वो उसको कितने 2-3 महीने उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखे थे, कैमराज लगा के कि देखे कब तक नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार हम लोग के समझ के पर। अच्छा सर, हमारा एक आंसर रह गया बीच में भूतों वाला, हनुमान जी क्यों आते हैं आगे? नहीं शिव जी, ये लास्ट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हनुमान जी जो है ना, वो आप राम का नाम लेंगे और हनुमान उनके भक्त हैं, आप हनुमान को बुलाएंगे, वो ऑलरेडी पृथ्वी में फंसे हुए बेचारे है ना, 7 इमॉर्टल्स में से जा नहीं पा रहे कहीं है ना, उनको जो बुलाता है ना वो बेचारे जल्दी से आ जाते हैं। गुड 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 फ्रेंड है वो, इसीलिए बाल हनुमान बनता है ना। तो वो उनको बुलाना, उनको मनाना बहुत आसान है, गुस्सा जल्दी नहीं होते। सर मजा आ गया आज, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें थी, मजा आ गया, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, हमें तो बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। और अक्षत सर आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, पर कुछ खास नहीं, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। हाँ, आप मुझसे जितने भी दर्शक चाहें वो मेरे से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिए। और सर की लिखी मूवीज आपको बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में दिखेंगी, 23 और 24 में सर का काफी सारा काम बाहर आना है, बहुत सारा काम। और सर की बुक द हिडन, हाँ यार ये मुझे आप लोगों को स्ट्रेट देख के बोलना है, 6 साल लगा के बहुत अच्छी 3 पार्ट की ट्रिलॉजी लिखी है मैंने, जिसको मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स खरीदे हैं, उस पर 3 पार्ट में फिल्म बन रही है, धोनी एंटरटेनमेंट की सर्वे सर्वा मिसेस साक्षी धोनी है, और पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसके इंग्लिश बुक्स को छापा है।
नाम है द हिडन हिंदू। बहुत सिंपल कहानी है, स्ट्रेट और क्विक रीड है, प्लीज लीजिए और पढ़िए। बुकेज गिफ्ट करना बंद कीजिए, बुक्स गिफ्ट करना चालू कीजिए एक दूसरे को। गिफ्टिंग बुक्स इज गिफ्टिंग नॉलेज।